हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज मैं खेत में हूँ और खेत का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं आज सारे फसल का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, यानी कि जितने भी फसल हमारे यूपी में होते हैं पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और आप गन्ने की आप खेती भी देख सकते हैं, यहाँ पे गन्ना ही गन्ना है। मान के चलो कि यहाँ पे गन्ना है, 500 बीघे का ये प्लाट है जहाँ पे पूरा गन्ना ही गन्ना है। आप पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारी आलू की खेती है जो अभी आलू तैयार होने वाला है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आलू की खेती हो रही है हमारे यहाँ पे। ये आप नज़दीक से देख रहे हैं कितना अच्छा और कितना बेहतरीन फसल जो है तैयार होने को आई है। दोस्तों देख सकते हैं खेत बहुत ही बेहतरीन आलू इस बार जो है तैयार हुआ है। कभी कभी जो है कमज़ोर हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा होता है, इस तरीके से होता है आलू की खेती हमारे यहाँ पे। अभी मैं आप लोगों को आलू भी दिखाऊंगा किस तरीके से पड़ा हुआ है इसमें। ये देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे आलू अभी हैं, बड़े बड़े भी हैं। दोस्तों ये लाल गुलाब आलू है जो लाल कलर का होता है, ये वाइट वाला नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये अभी तकरीबन 10-15 दिन के बाद ये खोदने वाला हो जाएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन दोस्तों, ये हमारा प्याज का बियाड़ है जिसको छोटा पौधा जिसको लगाते हैं, इसको काट के हम लगाएंगे दूसरी जगह खेत में तो बड़ा प्याज होगा। हमारे यहाँ पे इसको बियाड़ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं जरा कमेंट करके बताना। अभी मैं इसका बड़ा भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बड़ा होने पे दिखता है और कैसे होता है। ये देखिए दूसरे साइड में हमारा ये बड़ा वाला लगा हुआ है प्याज। दोस्तों ये इस प्याज को हमने डायरेक्ट प्याज ही बिठाया था, लगाया था खेत में। और उस जो पहले दिखाया था उसमें हम लोग बीज बोते हैं और ये डायरेक्टली प्याज इसमें हमने लगाया था। ये देख सकते हैं आप नज़दीक से कितना बेहतरीन इसका साग है और प्याज है। दोस्तों ये दोनों यूज में आता है अभी के टाइम ठंडी के मौसम में। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा मिर्चे का बियाड़ है जिसको चिल्ली बोलते हैं। तो ये हमारा ये चिल्ली का छोटा पेड़ है, इसको हम अभी बाद में दूसरे खेत में इसको उखाड़ के वहाँ पे लगाते हैं जब ये बड़ा होता है मिर्चे। ये आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से हमने इसकी बाउंड्री घेर रखी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जानवरों का बहुत खतरा रहता है, अभी बहुत रखवाली करनी पड़ती है अभी खेत की। ये देख सकते हैं हमने इसको चारों तरफ से घेर रखा है दोस्तों। ये बंधे की खेती है दोस्तों, यहाँ पे चारों तरफ बंधा ही बंधा लगा है जिसको हम बंद गोभी बोलते हैं। बंद गोभी भी बोलते हैं, पत्ता गोभी भी बोलते हैं। अब दोस्तों मैं इसको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और लवली लग रहा है दोस्तों। ये अभी तकरीबन 20-25 दिन के बाद ये तैयार होगा दोस्तों काटने वाला। दोस्तों अभी ठंडी के टाइम में हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा सब चीज़ें दिखाने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो लंबी हो जाए तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँगा। ये देखिए हमारे यहाँ पर अभी बैंगन भी तैयार है इस तरीके से, देख सकते हैं आप अभी कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। दोस्तों ये अभी ये छोटा ही है, ये 10-15 दिन का है, ये अब और बड़ा होगा दोस्तों। ये तकरीबन 250-300 ग्राम का एक बैंगन रहता है, ये देख सकते हैं आप। ये दोस्तों हम लोग जो है पर्सनल यूज के लिए लगा के रखते हैं, घर के लिए साग सब्जी जो है खेत में खुद ही लगाते हैं। और जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम लोग उसको मार्केट में बेच देते हैं या यहीं से लोग आके ले जाते हैं।
देख सकते हैं आप, ये हमारे बैंगन की खेती है, बहुत ही बेहतरीन बैंगन तैयार है अभी दोस्तों। ठंडी के मौसम में यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ और बहुत सारे फ्रूट तैयार हैं जो हमारे यहाँ पे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा एक एक करके वन बाय वन। दोस्तों अगर इसी तरीके की वीडियो आपको देखनी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ नेचुरल चीज़ें। ये आप देख सकते हैं कि कभी कभी एक एक पेड़ में तकरीबन 2 किलो 2.5 किलो बैंगन निकलता है दोस्तों, ये अभी तो अभी शुरुआत है। और ये आप देख सकते हैं लहसुन की खेती है, जिसको आप लोग लहसुन भी बोलते हैं, हम लोग लहसुन भी बोलते हैं। तो ये अभी बहुत छोटे छोटे हैं, ये तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद तैयार होगा दोस्तों। उसके बाद में इसकी कटाई होगी, फिर ये सूखेगा, उसके बाद में फिर कटिंग होगा, फिर ये मार्केट में जाएगा दोस्तों। जो आप लोग देखते होंगे वाइट लहसुन, वो यही है, इस तरीके से पेड़ होता है इसका दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों कि यहाँ पे गन्ना लगा हुआ है, ये गन्ना है दोस्तों जो अभी के टाइम पे तैयार हो गया है। अब ये सब ठंडे के मौसम में सारे जो है गन्ने कटने लगते हैं, ये देख सकते हैं। अभी मैं कुछ नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से गन्ना तैयार है। अभी ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इस तरीके से कुछ होता है, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है, तकरीबन यहाँ पे 800-900 बीघे का प्लाट ही होगा दोस्तों, जहाँ तक देखो वहाँ तक गन्ना ही गन्ना दिखाई देता है। हमारे यहाँ पे ये खास करके यूपी में बहराइच ज़िले में बहुत होता है गन्ना, और ये सरसों की खेती बहुत होती है हमारे यहाँ पे। ये देख सकते हैं मस्टर्ड, जिसको हम लोग सरसों भी बोलते हैं, तिलहन भी बोलते हैं, आप देख पा रहे होंगे जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सरसों ही सरसों है दोस्तों। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है दोस्तों अभी के टाइम में सरसों का खेत देखना। दोस्तों मैं मटर फली भी दिखाऊंगा ये आप लोगों को, ये अभी ये छोटा सा पौधा ही है, अभी ये बड़ा होगा फिर इसमें दाने आएंगे, छीमी लगेगी, जिसको मटर फली बोलते हैं दोस्तों। मटर पुलाव वगैरह जो बनता है वो इसी से बनता है दोस्तों। ये गोभी है दोस्तों, सनफ्लावर, जिसको हम लोग गोभी बोलते हैं गांव की भाषा में, हिंदी में। और ये हमारे घर के आजू बाजू में बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन और कितना ब्यूटीफुल है दोस्तों। और दोस्तों हमारे यहाँ पे अभी के टाइम में संतरा भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं हमारे घर के आसपास में संतरा लगा हुआ है दोस्तों, अनार लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको वन बाय वन दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये देख सकते हैं दोस्तों ये अनार जो अभी तैयार होने वाला है दोस्तों, एकदम अभी थोड़ा सा कच्चा है, कुछ दिन के बाद इसको तोड़ेंगे हम लोग दोस्तों। ये देख सकते हैं इस तरीके से इसका फूल होता है, फिर उसी में दोस्तों फल लग जाता है। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने सारे पेड़ पपीते के हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन है जो है ये दोस्तों। ये देसी पपीता है, ये देख सकते हैं आप लोग नज़दीक से, एक एक पेड़ में तकरीबन 2-2 क्विंटल लगा हुआ है दोस्तों। ये दोस्तों हमारी मिर्ची की खेती है दोस्तों।